हेलो गाइस अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम बैक सो आज के इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के बारे में सो so, बहुत बार आपने आपका कमांड इकॉनॉमी ट्रेडिशनल इकॉनॉमी इसके अलावा मिक्स इकॉनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी के बारे में सुना होगा तो ये होते क्या है और इनके फीचर्स क्या रहते हैं इंडिया कौन से टाइप ऑफ कैटेगरी के, के अंदर आता है या अदर्स जो एरियाज है जिनको आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ठीक है थीके? so we have majorly uh, economies are majorly categorized among four different different part traditional one the older one ठीक है uh, आज के date mein you'll see these three type of categorization command जैसे china market economy like us and mixed economy like India तो इन सब के features क्या होते हैं उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले traditional economy traditional economy means जहाँ पे आपका जो रिसोर्सेज था उनका मिनिमम यूटिलाइजेशन था एंड पीपल आर ओनली कंसर्न अबाउट देयर बेसिक नीड एंड रिक्वायरमेंट्स ठीक है खाने पीने की जो चीजें हैं उतना मिल जाए बहुत है ठीक है तो जिसके लिए आपका जहाँ पे बाटर सिस्टम काफी ज्यादा था और एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर आपका ये लिमिटेड हुआ करता था ठीक है सो ट्रेडिशनल इकोनॉमी अगर हम लोग बात करें ठीक है सो ट्रेडिशनल इकोनॉमी इज वन दैट बिल्ड अराउंड द वे सोसाइटी ले

गवर्नमेंट्स का आपका रिसोर्सेज के ऊपर ओनरशिप है एंड अब कहीं ना कहीं जो सारे प्लांट्स हैं वो आपका किसके द्वारा ड्राइव किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा सो व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस दिस इज डिसाइडेड बाय द स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी ठीक है सो स्टेट के द्वारा आपका जनरली ये आपका एक सेंट्रल अथॉरिटी दैट मीन्स गवर्नमेंट जो इनको आपका लीड कर रही होती है ठीक है अगर हम लोग बात करते हैं कमांड इकोनॉमी का तो जैसे दी गवर्नमेंट क्रिएट अ सेंट्रल इकोनॉमिक प्लान ठीक है

देन गवर्नमेंट आप मोनोपोली आप गवर्नमेंट ओन मोनोपोलिवी इन बिजनेस जो ज्यादातर ओनरशिप आपकी होती है किसके हाथ में होती है गवर्नमेंट के हाथ में होती है गवर्नमेंट क्रिएट लॉस रेगुलेशन एंड अ डायरेक्टिव टू अन्फोर्स दी अंट्रल प्लान ठीक है उस प्लान का एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो इन देंड ऑफ गवर्नमेंट ठीक है जैसे चाइना का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं Let's say, uh, कोई चाइनीज आपका फैमिली दे आर लिविंग इन अउस फ्रॉम लास्ट हेंडीड इन अगर गवर्नमेंट को वहाँ पे रोड बनानी होगी गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट का ठीक है तो ये काफी अच्छा मेरे को आर्टिकल मिला द बैलेंस के अंदर सो दट कम्प्लीट क्रेडिट गोस ठीक है सो बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था सो आई फाउंड इट इज इसलिए मैंने ये चीज लिया अब दूसरा मार्केट इकोनोमी

जिससे परचेजिंग पावर ठीक है सो हूम टू प्रोड्यूस जैसे कोई भी प्रोडक्ट आता है सो दैट वी हैव कैटेगराइजेशन की इन मास्टेज ऑल्सो वी हैव क्लासेज ठीक है कि ये प्रोडक्ट आपका इस इनकम ग्रुप के लिए होगा ये आपका इसके लिए होगा ठीक है तो वो एक आपका क्लासिफिकेशन जो आपको मार्केट इकोनॉमी के अंदर देखने के लिए मिलेगा ठीक है सो अगेन फ्रॉम दी बैलेंस सो प्राइवेट ओनरशिप सो वी डू हैव प्राइवेट ओनरशिप इन मार्केट ठीक है इसके अलावा लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन आपका गवर्नमेंट का इंटरफेस आपका बहुत कम होता है ठीक है इंटरफेरेंस ठीक है फ्रीडम ऑफ चॉइसिस ठीक है कस्टमर्स के पास भी प्रोड्यूसर्स के पास भी ठीक uh, so है मोटिव ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ठीक है सो सेल्फ इंटरेस्ट के बेसिस पर डिसीजन लिए जाते हैं ठीक है वी हैव हाई कॉम्पिटिशन इन दीज पर्टिकुलर कंट्रीज ट एंड प्राइसेज ठीक है उसके हिसाब से चीजें होंगी और उसी के हिसाब से आपका चीजें डिसाइड की जाएंगी सो मार्केट इकोनॉमी ठीक है सो नाउ द थर्ड सिस्टम इज विव ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर सो दैट इज मिक्स द इकोनॉमी सो मार्केट इकोनॉमी के मैरिट्स एंड आपका जो कमांड uh, इकोनॉमी के मैरिट्स हैं उनको मिलाकर के एक तीसरी इकोनॉमी इकोनॉमी लाइक इंडिया ठीक है जिसको हम लोग मिक्स इकोनॉमी के नाम से जानते हैं ठीक है जैसे आपका मार्केट इकॉनॉमी जैसे ओन यहाँ पे क्या था ओनर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स फ्रीडम टू स्टार्ट बिजनेस सप्लाई एंड डिमांड यहाँ पे ओन बाय गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड प्राइस कंट्रोल अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका जैसे दैट मीन्स प्राइवेट ओनरशिप प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ओनरशिप तो सरकारी भी है और आपका प्राइवेट भी है ठीक है फ्रीडम टू स्टार्ट बिजनेस विद सम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेग्युलेन्स सप्लाई डिमांड्स एंड प्राइस कंट्रोल्स ठीक है सो यहाँ पे प्राइस कंट्रोल कुछ एरियाज जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है एंड मोस्ट ऑफ थिंग्स आर डिसाइडेड बाई डिमांड एंड सप्लाई सो दैट इज योर मिक्स इकॉनमी राइट सो मिक्स इकॉनॉमी वी हैव प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप वी हैव private property, we have regulation from the government, we have social security and we have स्टेट इंटरवेंशन आल्सो ठीक है सो अब ये जो तीनों इकॉनॉमीज हैं कई बार आपने इनको जैसे सोशलिस्टिक कैपिटलिस्टिक एंड आपका मिक्स इकॉनॉमी भी बोलते हैं ठीक है सो सोशलिस्टिक इज योर कमांड इकोनॉमी ठीक है सो सोशलिस्टिक इज कमांड इकोनॉमी

It is a system where the where um, means of production are owned by the private individual. Profit is the main motive, and there is no interference um, by the government in the economic activities of the economy. So it is free market economy, which we call. And uh, mixes combination, we discussed. So this is the phase of capitalism and socialism, and both of and they are generally part of your uh, mixed economy. Take? So. कमांड सोशल कमांड इक्वल टू सोशलिस्टिक एंड मार्केट इक्वल टू आपका कैपिटलिस्टिक एंड मिक्स इकोनॉमी दोनों के मिक्स फीचर्स के साथ आपका ठीक है तो ये आपके कुछ फीचर्स जैसे कैपिटलिज्म की अगर हम बात करें ओनरशिप टू प्राइवेट फर्म्स ठीक है मार्केट इकोनॉमी के अंदर इक्वलिटी इनकम डिटरमाइंड बाई दी मार्केट फैक्टर्स प्राइसेस डिटरमाइंड बाई द डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फैक्टर्स एफिशियंसी मार्केट इंसेंटिवाइज इनकरेज फर्म्स टू कट कॉस्ट टैक्सेस लिमिटेड टैक्सेस healthcare uh, uh, left to free market problems inequality market fears monopoly and advantages dynamic uh, economy incentives for innovations and economic growth. Uh, socialistic uh, socialism or uh, your command economy asset owned by governments or cooperatives uh, redistribution, in, uh, uh, redistribution of income and we have price control by the government Government-owned firm have fewer incentives to uh, be efficient. High progressive tax rate, healthcare uh, uh, provided by governments free at points. Uh, inefficiency of uh, state industry less incentives and promotions of uh, equality uh, attempt to uh, overcome market failures. So these are the features. Okay? So these are your three types of economies along with your traditional structure. Okay? So teen type economies कमांड मार्केट एंड मिक्स इकोनॉमी ठीक है वो काफी बार आपको एग्जामिनेशन में पूछा है एंड दीज आर वेरी बेसिक वन आई होप मैक्सिमम आप लोग इस पर अवेयर होंगे ठीक है सो समटाइम लाइक यू हैव टू अवेयर अबाउट द फीचर्स ओनली ठीक है तो फीचर्स को आपको ध्यान में रखना है एग्जामिनेशन के लिए भी जो आपको आने वाले समय में हेल्प करेंगे ठीक है सो आई होप सबको क्लियर हुआ होगा इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं कोई डाउट्स हैं डू मैंशन इन टू द कॉमेंट सेक्शन आई डेफिनेटली गेट बैक टू एंड इवन यू कैन ऑल्सो सजेस्ट सम टॉपिक फॉर योर डेली रूटीन टेन मिनट्स हो ओके सो लाइक अभी एक महीने से ज्यादा हो गया ठीक है और यू कैन सी कि वी फॉलो दैट कंसिस्टेंसी विदाउट एनी फेल इन लास्ट थर्टी वन डेज और थर्टी टू डेज आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर सेशन सो so, ये चीजें आपका जो आपके बेसिक नॉलेज को एनहेंस करेंगे एंड इट विल हेल्प यू इन योर प्रोफेशन आल्सो एज वेल एज इन योर एग्जामिनेशन आल्सो राइट सो कैसा लगा फीडबैक जरूर शेयर करें अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा सो दिस इज दैट फ्रॉम माई साइड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन केयर ऑल है नाइस थैंक यू